कोई नहीं सर जी, एक ही की है वो जिसमें फायर लगा था। इतने कारीगर बन गए थे एक ही वारदात के अंदर कि आपने वहां पे खड़े हुए हैं और बंदे को कत्ल कर दिया, पहली वारदात थी ये बात समझ में आती है? जब फायर लगा था, इसने बंदे को फायर मारा, उस टाइम आप कहां थे? करीब ही खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोर्ट राधाकृष्ण थाने के अंदर। मेरे साथ ये चार लोगों का गैंग आप देख रहे हैं, ये वो गैंग है जिन्होंने रोड के ऊपर राजा दे बंदे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस लिए कत्ल किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, क्या काम? सीलिंग का काम। सीलिंग का काम कर। हाँ। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आप लोगों ने एक बंदे को फायर मार के कत्ल किया? उस दिन मसला हम डकैती पे गए थे, टिब्बे के पास जो दो मोटरसाइकिल वाले रोके थे, तीन बंदे थे उस पर। उन लड़कों के मैं ना झाड़ी के पास लेकर चला गया, तो तीसरी मोटरसाइकिल आई है, तो ये तीन लोग भागे हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, वो नहीं रुका है, अज़र भाई ने जो सा ना उसको पीछे फायर मार दिया उसको। अज़र भाई ने पीछे से फायर मार। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो सा इसने बोला अभी पुलिस का डाला आ रहा है बैक साइड से, तो हम लोगों को भाग जाना चाहिए। जो तीन हमने पहले भी रोक रखे थे ना, उनकी तलाशी ली, ना मरने वाले की तलाशी ली, फिर हम उसी भाग। क्या नाम है भी आपका? सलमान। सलमान, किस तरह से बंदे को मारा? दो आदमियों को पहले रोका था। अच्छा। तीसरा वो आया, वो आया, उससे फायर लग गया सर से। फायर लग गया? कैसे फायर लग गया? वो बैग रोकते रोकते ही उसको पता नहीं लगा, हाथ बजा उसका, उसको लग गया फायर। कब से ये वारदात हो गई? पहली वारदात थी। आपने जो असला था, कितने पिस्टल थे, गन थी क्या? एक ही पिस्टल था। बस एक पिस्टल ही? दो पिस्टल थे। कितने थे? दो। पहले बताइए बात, वो बात करो, कितने पिस्टल थे? दो थे। कहाँ से लिए? मैंने दोस्त से लिया था अपने। दोस्त से? किस लिए? वैसे ही लिया था। जब आपने, आप लोगों ने बंदे को फायर मारा, उसके बाद कहाँ गए? घर चले गए। घर चले गए? क्या सूरत हाल रही थी कि जब आप लोग बंदे को फायर मार के घर चले गए, तो क्या सोच थी उसको? मैं तो यही था उसकी, पता नहीं क्या है? क्या बना, हमें नहीं था पता। क्या बना ये नहीं पता था? नहीं। आपके कितने बहन भाई? तीन। दो बहन। दो बहन भाई? आपके दो भाई हैं और? एक बहन एक भाई। वो भी यही काम करता है? नहीं। माँ बाप क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं? नहीं। आपने मेहनत मजदूरी क्यों नहीं की? करता था लेकिन। करता था? मेहनत ये मेहनत मजदूरी करता था? ये मेहनत मजदूरी की आपने? बस गलती हो। क्या कहना चाहोगे आप, जो आपने काम किया है, जिस बंदे को कत्ल किया उसके दो बच्चे हैं, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगा कि हमें इससे गलती हो गई, हमें माफ कर। तुम्हें माफ कर दिया जाए? मेरे ख्याल में तुम्हें माफ नहीं, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। तीसरा इनका साथी मौजूद है जिसने फायर मारा था, उससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजहर है मेरा। अजहर जी सर। अजहर, मुझे ये बताओ कि किस तरह से फायर मारा था? सर जी, वो मोटरसाइकिल आ रही थी, वो रुका नहीं था, उसको हैंडकर साथ मेरा हाथ लगा, उसको फायर लग गया। आपने पहले से इसको लोड किया हुआ था? पता नहीं सर जी, पहले लोड थी। किसने लोड करके? मेरे को ही, मेरे को ही लोड है। लोड किसने किया था? मैंने किया था। अगर आपने डराने के लिए पिस्टल पकड़ा था, तो लोड उसको किस वजह से किया था, अगर आपका फायर मारने का इरादा नहीं था? बस सर जी, गलती ना हो गया। गलती ना मारी जी? कहाँ पे फायर लगा था? पता नहीं सर जी। आपने फिर देखा जब वो गिरा है, उसको फायर कहाँ पे लगा है, उसको पकड़ के देख लें? नहीं सर जी, हम चले। साथी आपको कहता रहा फायर ना मार, फायर ना मार। सर जी, गलती हो गई सर। आपके साथी ने कहा था फायर ना मार? जी सर जी, वो पहले कहा था सर जी। क्या कहा था? फायर नहीं मारना के। सर जी मार? नहीं सर जी, गलती से लगा मुझसे, जानबूझ के नहीं किया। उससे पहले कितनी वारदात थी? कोई नहीं सर जी, एक ही की है वो जिसमें फायर लगा है। इतने कारीगर बन गए थे एक ही वारदात के अंदर कि आपने वहाँ पे खड़े हुए हैं और बंदे को कत्ल कर दिया, पहली वारदात थी, ये बात समझ में आती है? सर जी पहले नहीं की, झूठ बोलने का क्या फायदा? सर जी नहीं की सर जी पहले। सर जी मेहनत मजदूरी करते हैं। जी सर जी। तुम्हें उन्होंने हराम की रोजी खाने के लिए या पैदा करने के लिए किया था? नहीं सर। हैं? नहीं सर। इसलिए पैदा किया था? सर जी मेहनत मजदूरी करने का। स्कूल गए कभी? जी सर जी। कितनी क्लासें पढ़ी हैं? आठ पढ़ी हैं। आठ, उसके बाद क्यों पढ़ी? बस सर जी, दिल नहीं कर रहा। इसको चेयर के ऊपर बैठाने का हमारा कोई और मकसद नहीं है, बल्कि इंसानियत के नाते इसको चेयर के ऊपर बैठाया कि इसकी टांग के ऊपर पुलिस मुकाबले के दौरान इनके साथी का फायर लगाया, जिसकी वजह से इसकी जो एक टांग है वो अभी जख्मी है, और इंसानियत के नाते मैंने इसको चेयर के ऊपर बैठाया है। क्या नाम है? इमरान। इमरान जी सर। किस तरह से इनके गैंग?
सर नहीं 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 दोस्ती हुई थी इन लोगों के साथ। नहीं नहीं दोस्ती हुई, बड़े अच्छे दोस्त मिले आपको। सर मुझे नहीं था पता ये ऐसे भी दोस्त हैं, तो दोस्तों के साथ फिर चला गया था मैं। दोस्तों के साथ चले गए? जी। फिर क्या हुआ? फिर वहीं पे गए थे जब फायर लगा था, इसने बंदे को फायर मारा, उस टाइम आप कहाँ पे? करीब ही खड़ा हुआ था। आपको पता चला था फायर लग गया? सर उसकी बाजू में लगा था इसका हाथ, तो ये नहीं था पता कि उसको लग गया कि वैसे ही किसी की तरफ। पुलिस ने किस तरह से फिर आप लोगों को अरेस्ट? सर मुझे नहीं था पता कि ये हम ऐसे ही पकड़े जाएंगे, तो वहीं से हमने एक बैल छिनाया था, तो वो छिनाया था, वो ट्रेस हो गया था। ट्रेस हो गया, हम बैल से पकड़े गए। जी सर। जी नाज़रीन, ये वो मुलजमान हैं, चार मुलजमान जिन्होंने रोड के ऊपर खड़े होकर वारदात के दौरान दो बच्चों के बाप को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया, और इस बंदे को पुलिस मुकाबले में इनके साथी का फायर लगा। मेरी तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि इन जैसे नासूर, जो माशरे के नासूर लोग हैं, कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि ये दोबारा इस माशरे के अंदर ना आए, और ताकि इनको लोग देखते हुए, वो लोग जो इस तरह की वारदातें करते हैं, उनको सबक हासिल हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहे फोकस न्यूज़। अल्लाह ने करो।